सेकेंड मेथड है कैपिटल बस्टिंग का। थर्ड मेथड हम आज पढ़ेंगे, इसका नेम क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में एनपीवी मेथड। जैसा कि हमने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड जो अपना सेकेंड मेथड था उसके अंदर भी टू बेसिस पढ़े थे, ऐसे ही नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अंदर भी टू बेसिस पर हम एनपीवी निकालते हैं। दो सिचुएशन होंगी जब हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी। पहले तो हमें लेमन लैंग्वेज में पहले ये समझना है कि ये एनपीवी मेथड जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है इसका मीन्स है क्या। इसका मीन्स ये है कि जो पहले वाले मेथड्स थे कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स थे, जिनको हम क्या बोलते हैं नॉन डिस्काउंटेड मेथड, क्या बोलते हैं नॉन डिस्काउंटेड मेथड, जैसे आपका एआरआर मेथड हुआ या फिर आपका पेबैक मेथड रहा, वो आपके नॉन डिस्काउंटेड मेथड थे। और जो मेथड हम आज पढ़ रहे हैं वो आपका कौन सा है, डिस्काउंटेड मेथड है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक डायग्राम के थ्रू समझाया था कि जो टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग है उसमें ट्रेडिशनल या नॉन डिस्काउंटेड मेथड होते हैं, जो ओल्ड टेक्निक थी, लेकिन आज की तारीख में कुछ एडजस्टमेंट हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था डिस्काउंट फैक्टर, जो फैक्टर वैल्यू है उसका एडजस्टमेंट हम करते हैं। जैसे आपका पेबैक मेथड है उसके अंदर भी हम करेंगे, डिस्काउंटेड पेबैक मेथड हम पढ़ेंगे रिवीजन के अंदर। फिर आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, इन्हें हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। और जो नेक्स्ट दो मेथड हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड या टाइम एडजस्टेड मेथड, जिसमें आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड आता है। ये जो अपना थर्ड मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, डिस्काउंटेड मेथड के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है, जो पहले हम ये मान रहे थे कि कोई प्रोजेक्ट है और उसकी लाइफ है 6 ईयर, तो उससे हमें हर साल जो कैश इनफ्लो होगा वो हम उसको टाइम फैक्टर के साथ कंसीडर नहीं करते थे। जैसे मान लीजिए 1-6 ईयर हर साल हमें 30,000 कैश इनफ्लो हो रहा है, तो हम उसको एज ए 30 ही ट्रीट करते थे, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं मानते थे कि जो हमें एक साल में मिला है, जो एक साल बाद मिला है, जो 2 साल बाद मिला है, जो 3 साल बाद मिला है, उसकी वैल्यू में कुछ चेंजेस होते हैं। हम डिस्काउंटेड या टाइम एडजस्टेड मेथड के अंदर इस बात को कंसिडर करते हैं कि जो पैसा हमें फर्स्ट ईयर में मिला है 30,000 और जो पैसा हमें सेकेंड ईयर में मिला है 30,000, उसमें टाइम डिफरेंस है, तो टाइम फैक्टर हमें कंसिडर करना है। तो टाइम फैक्टर कैसे कंसिडर करते हैं वो हम इस मेथड के अंदर पढ़ेंगे। आते देखो अपने इस डायग्राम के अंदर, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के डायग्राम के अंदर, यहाँ पे आप ये देखेंगे, मान लीजिए हमने माना कि कोई प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमने खाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही लगाया है, इफ ओनली इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी होगी कि जो हमारा कैश इन फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आप लेस कर दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमें प्रोजेक्ट से पैसा मिला है उसकी टाइम एडजस्टेड वैल्यू हम निकालेंगे, उस टाइम एडजस्टेड वैल्यू में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लेस कर देंगे, तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी होगी। ये कब होगा, जब खाली क्वेश्चन में क्या हो, इफ ओनली इनिशियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन सिचुएशन कभी क्या होती है, हम प्रैक्टिकली ये समझते भी हैं कि कोई प्रोजेक्ट खाली इनिशियल इन्वेस्टमेंट से नहीं चल सकता, हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ पैसा और लगाना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो हम यहाँ पे सेकंड बेस में भी हम आए तो देखेंगे कि एनपीवी हम दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं कब, इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एडिशनल इन्वेस्टमेंट, जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हो और उसके साथ साथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए 1-6 ईयर हम खाली फर्स्ट ईयर ही पैसा नहीं लगा रहे, हम सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर, हो सकता है 6th ईयर पे हमें कुछ पैसा लगाना पड़े, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो वहाँ पे खाली चेंजेस क्या आएगा, जो फॉर्मूला नेट प्रेजेंट वैल्यू का था वही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आएगा, लेकिन माइनस जो हम करते थे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए हम कैश आउटफ्लो वर्ड जो सिनोनिम्स है उसको लेंगे, और उसकी भी क्या निकलेगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की भी क्या निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। बस ये हम दो क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे, अलग अलग हम आपको दो इलस्ट्रेशन कराएंगे। जैसे कमिंग क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि जो हम इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है आपका, 5th। तो इलस्ट्रेशन 5th कब है, जब पहली सिचुएशन हमने आपको बताया क्या, पहली सिचुएशन हमने आपको बताया इफ ओनली इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जब खाली क्वेश्चन में क्या हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा हो, तो हमें किसकी कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ ओनली इनिशियल इन्वेस्टमेंट वॉज देयर, जहाँ पे खाली आपका क्या हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो।
तो हम एक क्वेश्चंस ले रहे हैं, इसके थ्रू हम समझेंगे, फिर हम इसके बाद ये भी समझेंगे कि कैसे हम एडिशन इन्वेस्टमेंट का भी एडजस्टमेंट करते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे। एक चीज़ और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब हम डिसीजन मेकिंग में आते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसे होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में, तो दो सिचुएशन होती हैं। यदि सिंगल मशीन हो, खाली एक्स मशीन है, और इफ़ मोर देन टू मशीन, या जैसे एक्स और वाई मशीन है, खाली एक्स मशीन है, तो हम प्रोजेक्ट को तभी सिलेक्ट करेंगे इफ एनपीवी इज पॉजिटिव। एनपीवी क्या है आपकी? पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव के अंदर जीरो भी आता है, इसको मतलब एनपीवी जीरो है या फिर ज़्यादा है जीरो से, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। और यदि मोर देन टू प्रोजेक्ट का मतलब है कि एक्स और वाई मशीन है, तो हमें उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें एनपीवी क्या हो, हायर हो। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके थ्रू हम एनपीवी को समझते हैं। कौन सी सिचुएशन में? कब? जब इफ ओनली इनिशियल इन्वेस्टमेंट वॉज देयर। आइए देखिए, ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है अपना 5th। द इनिशियल कैश आउटले, मतलब कैश आउटले का मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने बेसिस में पढ़ा था, जो कितना है 40,000 है, एंड इट जनरेट कैश इनफ्लो ऑफ ₹20,000 फर्स्ट ईयर। देखिए आप नीचे, 15,000 सेकेंड ईयर, 25,000 थर्ड ईयर, 10,000 फोर्थ ईयर। यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एप्रेज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट एज्यूमिंग। अब यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया है कि हमें फैक्टर वैल्यू कितने परसेंट पे निकालनी है, 10% पे। तो 10% पर फैक्टर वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? अभी तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ₹1 की वैल्यू 10% पे यदि हम देखें, यदि आप फर्स्ट ईयर में, एक साल बाद आपको ₹1 चाहिए, तो आज आपको कितना जमा कराना पड़ेगा? 0.909 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, मतलब 90-91 लगभग 90-91 पैसे आपको आज जमा कराने पड़ेंगे, तब एक साल बाद आपको ₹1 मिलेगा, यदि डिस्काउंटेड कितनी है 10%। ऐसे ही यदि आपको 2 साल बाद ₹1 चाहिए, तो आज आपको 0.82 मतलब 82 पैसा आपको जमा कराना पड़ेगा, यदि आपको 2 साल बाद ₹1 चाहिए। और ऐसे ही यदि आपको 3 साल बाद ₹1 चाहिए 10% पे, तो आज आपको 0.75 पैसा जमा कराना पड़ेगा। और ऐसे ही फोर्थ ईयर बाद आपको ₹1 चाहिए, तो आज 0.68 पैसा आपको जमा कराना पड़ेगा। ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको भी हम आपको कैलकुलेट करना भी सिखा देते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट जो पेज है, उसके अंदर हमने एक टेबल पढ़ी है, ये पेज वैसे इससे पहले का है, पेज 15 है, ये 16 है, इससे पहले का है, क्योंकि हमें चीज़ समझनी ज़रूरी है। परसेंट फैक्टर कैसे निकलता है? इसका फॉर्मूला रहता है 1/1+r की पावर n। यहाँ पे जो r है रेट ऑफ रिटर्न, जैसे हम यहाँ पे देखें 10% हमें दिया है, n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर, जो हमें कितना दिया है, आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर 4 ईयर दिए। तो हमने इसी क्वेश्चन का ये जो परसेंट फैक्टर है ये कैलकुलेट किया है। आप इस पेज के नीचे वाले भाग में आप आ जाएं, तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ परसेंट फैक्टर व्हेन आर 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड 100.10 हो गया, नंबर ऑफ ईयर का मतलब है 1/4 ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर की वैल्यू अलग निकलेगी, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की वैल्यू अलग निकलेगी। इसकी मैं आपको एक कैलकुलेशन भी समझा सकता हूँ, यदि आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो आप आइएगा, कैलकुलेटर ओपन करते हैं, कैलकुलेटर में आ रहे हैं, कैलकुलेटर में आप आइएगा, कैलकुलेटर में आप देखेंगे 1 जो है डिवाइड होगा 1.10 से, 1.10, तो हम इक्वल करके देखें तो ये आता है 0.90।